Hi guys, welcome to House Garage. Right behind me is the Mahindra Thar and today I am here at NR Autos Mahindra. अगर आपको Mahindra का कोई भी product check करना है, you can come down here and check out the products. Now let's start with the video. Hi guys, welcome to House Garage. Right in front of me is the Mahindra Thar. तो ये Mahindra Thar मतलब इसके generations इतने सारे आए. तो ये है अभी वाला generation 2022. So you can see the car, how big it is, how strong it looks and how muscular it looks. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है टॉप एंड मॉडल. तो डीजल 2.2 लीटर का आपको यहाँ पे इंजन मिल जाता है. सबसे पहले आपको इसका इंजन बे दिखा देता हूँ एक बार. तो इसको खोलना रहता है यहाँ से. तो दिस इज हाउ यू हैव टू ओपन द इंजन बोनेट. एंड तो आपको वहाँ से क्लिप ओपन करके यहाँ से इसका बोनेट ऐसे खींच लेना है. तो ऐसे होता है बोनेट ओपन एंड यू कैन सी द साइड इंडिकेटर्स ग्लोइंग. एंड अभी हम लोग इसका बोनेट ओपन करेंगे. So guys, this is the engine. This is the diesel 2.2 liter engine which produces 130 PS of power and 300 Newton meters of torque. Well, power and torque के बारे में Mahindra को कुछ बोल नहीं सकते. They make very powerful engines. As you guys can see, there is no insulation. यहाँ पे कोई insulation नहीं मिलता आपको. And this is the engine. वो पीछे आपको वहाँ पे थोड़ा insulation मिल जाता है. As you guys can see. And looks quite good. मतलब पूरा ऐसा packed up engine है. And the bonnet is quite heavy as well. As you guys can see, bonnet काफ़ी heavy है यहाँ पे. तो आपको बंद करने का trick जो है वो ऐसे बंद करना रहता है आपको. ये मैंने किया, ये लग गया इधर का clip. And सबसे पहले ये करो ऐसे, ये हो गया सामने का engine बंद. सो गाइज, बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के बारे में. तो दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक्स. मतलब मेरा तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार है. सो स्टार्ट करते हैं इसके हेडलाइट से. यहाँ पे ये आपको हेडलाइट मिलता है, राउंड शेप में है. एंड द यूनिट इज़ हैलोजन यूनिट. एंड सामने का ये आपको फ्रंट ग्रिल मिलता है, Mahindra इज़ रिटन ओवर हियर. इधर का भी हेडलाइट सेटअप. एंड ये जो दिख रहा है आपको ऊपर, ये वाला, ये आपको ऊपर मिल जाता है LED DRL. एंड नीचे ये इंडिकेटर आपको मिलता है. एंड उसके नीचे आपको फॉग लाइट मिलता है विच इज़ अगेन इन हैलोजन. एंड दिस इज़ द फ्रंट बम्पर. एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ है थार, बोल्ड एकदम थार लिखा हुआ है. यहाँ पे थोड़ा ग्रे कलर का फिनिश है. दिस इज हाउ द कार लुक्स. एंड नीचे ये आपको एक ये प्लेट मिल जाता है, मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए आपको ये मिल जाता है. बट इट इज़ इन फाइबर. तो ये मेटल मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता. एंड द टोइंग हुक इज़ प्लेस्ड ओवर हियर. एज यू गाइस कैन सी, टोइंग हुक आपको यहाँ पे मिल जाता है. एंड मतलब कार तो है स्टॉक, बट इस कार के बारे में इतने सारे आपको आफ्टर मार्केट मॉड्स वगैरह मिल जाते हैं. सो ये कार मतलब SUV के सेगमेंट है, वहाँ पे ये पोलो एंड स्विफ्ट है. क्योंकि इतने सारे आपको यहाँ पे मॉड्स मिल जाते हैं, फ्रॉम हेडलाइट्स टू फ्रंट बम्पर एंड एवरीथिंग यू गेट इन दिस कार इज एब्सोल्युटली, इट लुक्स एब्सोल्युटली बॉम्ब. तो हम लोग इस साइड आ जाते हैं. यहाँ पे साइड में आपको मिलते हैं बड़े बड़े एकदम बॉडी ग्लाइडिंग, काफ़ी अच्छा दिखता है ये. मतलब जीप को पूरा रिजेंबल करता है दिस. अगर कोई साइड से देखेगा ना उसको पता, उसको तब पता चलेगा. बट इसको अगर मॉडिफाई वगैरह कर दिया ना, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला कि ये जीप है या थार है. तो साइड में आपको यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर मिल जाता है, साइड इंडिकेटर. एंड यू कैन सी द सस्पेंशन ट्रैवल. ये ट्रैवल आपको देख रहा होगा यहाँ पे, इट इज़ एब्सोल्युटली मतलब बहुत अच्छा दिखता है ये. तो वो अंदर आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाता है, एज यू गाइस कैन सी. एंड दिस इज़ द टायर ऑफ द कार. आपको दिखेगा यहाँ पे जो ये जो है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, गुट्टे बोलते हैं क्या बोलते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसके जो ये देख रहे हैं ना, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड ग्रिप तो आप, ग्रिप का कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा आपको. एंड यहाँ पे आपको ये मिल जाता है ऑल टेरेन टायर मिल जाता है, टायर का C8 का मिल जाता है टायर. एंड टायर का प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगा, 225/65R 18 इंच. तो 18 इंच आपको टायर मिल जाता है विद अलॉय व्हील्स, आपको यहाँ पे देखेगा. सो इट लुक्स रियली गुड. बट मैंने अगेन, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस कार में आपको आफ्टर मार्केट इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ना, कि ये गाड़ी मतलब आप खरीद लो, आफ्टर मार्केट ले जाओ और इसको बना दो कुछ और. दिस इज़ हाउ गुड इट लुक्स. Mahindra का लोगों यहाँ पे देखेगा, सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है. तो काफ़ी भाई ऐसे बोलते हैं कि अलॉय व्हील्स में आपको ये व्हील बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे ये बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे दे के रखा है, यहाँ पे व्हील्स वगैरह चिपका के रखे हैं. सो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है. एंड थार आपको दिख रहा होगा साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे थार लिखा हुआ है.
तो गाइज अभी आज साइड के यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एम स्टेलियन लिखा हुआ है TGDI 15.0, तो यहाँ पे एक एंटेना आपको मिल जाता है साइड में एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली, मतलब बहुत ही सही दिखता है ये। साइड में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब चढ़ने के लिए यहाँ पे फुट प्लेट मिल जाता है एंड दिस इज हाउ द मिरर्स आर। काफ़ी बेसिक मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे साइड में थार लिखा हुआ है, देर इज़ नो इंडिकेटर, वो एक्सपेक्ट मत करना इस कार में। सामने का ग्लास कुछ ऐसा दिखता है, ये एकदम खड़ा है एकदम ये ग्लास पूरा एंड आपको देख रहे होंगे ये वाइपर्स जो है, ये वाइपर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे आपको फ्रेमलेस वाइपर मिल जाता है एंड मतलब इस कार में वाइपर्स में ध्यान दिया गया है, सो दैट इज़ रियली गुड। एंड बॉनेट आपको देख रहा होगा, थोड़ा प्लेन बॉनेट है बट यहाँ पे आपको साइड में थोड़े ऐसे लाइंस दिख जाएंगे, हल्के हल्के सॉफ्ट यहाँ पे लाइंस दिख जाएंगे आपको। एंड इधर दिख जाएगा आपको वाइपर फ्लूइड के लिए पोजीशन दे के रखा है एंड ये आपको नेकेड हिंजेस दिख जाएंगे इधर, सो दैट लुक्स रियली नाइस। एंड इस साइड भी होता है, इस साइड भी आपको एक वाइपर फ्लूइड के लिए दे के रखा है, सो दैट इज़ रियली गुड। एंड ईस्टर एग्स ओवर हियर, एज यू गाइस कैन सी कैमल है यहाँ पे, कैक्टस है एंड यहाँ पे महिंद्रा थार है, सो दैट इज़ रियली गुड। अटेंशन टू डिटेल इन दिस कार इज रियली 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 गुड। नेकेड हिंजेस ओवर हियर एज वेल, एज यू गाइस कैन सी। डोर हैंडल आपको ऐसा मिल जाता है, इट इज़ इन मैट ब्लैक कलर एंड द ग्लास, यहाँ पे जो ग्लास मिलता है ना आपको, ये ग्लास आपको ऐसे स्क्वायर शेप में मिल जाता है, स्क्वायर नहीं है टोटली बट मतलब ये थोड़ा सा बॉक्सी टाइप का दिखता है। एंड पीछे का रियर ग्लास इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस, ऐसे आपको देख रहा होगा काफ़ी बड़ा आपको पीछे का ये रियर ग्लास मिलता है, सो दैट इज रियली गुड। वेल दिस इज द हार्ड टॉप वर्जन, ऊपर का आपको रूफ कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी ये हार्ड टॉप है। इसका एक और आता है वो सॉफ्ट टॉप रहता है, वेल मेरा फेवरेट है ये हार्ड टॉप। एंड एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे पीछे थोड़ा ऐसा देके रखा है एंड हियर इज द फ्यूल टैंक, ये आप लॉक अनलॉक करके खोल सकते हो, सो दैट इज रियली गुड। एंड पीछे का टायर देख रहे हो, इसका सस्पेंशन का ट्रैवल देखो, इट इज एब्सोल्युटली मतलब ऑफ रोडिंग के लिए ही बना है ये गाड़ी, ऐसा फील होता है देख के। बट यहाँ पे इंडिया में मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता ऑफ रोडिंग के लिए, बट ये आपको रोड में ही दिखेगा ज़्यादातर ये कार। सो यहाँ पे आपको देख जाएंगे ऑफ रोड टायर्स, ऑल टेरेन टायर अगेन फ्रॉम सीएट एंड टायर का सेक्शन है 255/65R18 inch एज वेल। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, महिंद्रा का लोगो थार इज रिटन ओवर हियर। पांच यहाँ पे आपको बोल्ट्स मिल जाते हैं एंड सस्पेंशन आपको दिख रहा होगा ये सेटअप पीछे, दिस इज़ द कार लुक्स। तो हम लोग पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो ये जो लाइट मिलता है ये आपको, ये यहाँ पे साइड में जो दिखता है ना ये आपको LED मिल जाता है, बट ये जो इंडिकेटर है एंड जो रिवर्स लाइट है वो आपको हैलोजन मिल जाता है। सो लाइट तो आपने देखा ही होगा बाहर, तो मैं आपको ये जला के दिखा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे थार लिखा हुआ है बीच में, सो दैट लुक्स रियली गुड। एंड पीछे ये कुछ ऐसा दिखता है पीछे का रियर बम्पर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे के रखा है एंड देर आर टू पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे एक है उधर एक है। दिस इज हाउ द एग्जॉस्ट ऑफ द कार लुक्स, यहाँ पे पीछे आपको टोइंग हुक मिल जाता है एंड ये टायर देखो, इट्स एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। आई डोंट नो ये कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, बट ये मेरा हाथ है एंड वो टायर है, एज यू गाइस कैन सी इट्स एब्सोल्युटली मैड एंड एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। सस्पेंशन का सेटअप आपको दिख रहा है नीचे, दिस इज द एग्जॉस्ट पाइप एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एवरीथिंग अंडर द कार। देर आर नो रिवर्स कैमरा, नहीं मुझे नहीं देख रहा है यहाँ पे कोई रिवर्स कैमरा, सो दिस इज हाउ द कार लुक्स। स्पेयर व्हील यहाँ पे पीछे देख रखा है, सो दैट इज रियली डिफरेंट। ये आपको फुल साइज यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाता है एंड पीछे का डोर खोलने के लिए ये कुछ ऐसा दिखता है पीछे का, यहाँ पे मतलब बूट स्पेस कुछ ऐसा दिखता है एंड ऊपर आपको ग्लास भी ऐसा ये खुल जाता है। सो एज यू गाइस कैन सी इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कार्स, ये ऐसे बंद हो जाता है एंड ये ऐसे, दिस इज हाउ इट क्लोजेस एंड दिस इज हाउ इट ओपन्स, सो इट इज रियली डिफरेंट। पीछे के सीट्स भी आप फोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक ये दिख जाएगा, ये जो लैश है इसको खींचने से ये फोल्ड हो जाएगा। सो उससे क्या होता है, बूट स्पेस तो बड़ा हो जाता है बट बूट स्पेस के हिसाब से आपको ये वाला स्पेस मिल जाता है। वेल ये गाड़ी कोई ऐसा बूट स्पेस के लिए यूज़ नहीं करेगा आई गेस। एंड ये आप फ्लैट कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट ये प्लेन नहीं रहता, आपको इसके ऊपर सामान रखना पड़ेगा। एंड एज यू गाइस कैन सी पीछे का ये स्पेस कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है पीछे का,
तो ये इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब मैं अंदर जाऊंगा। पीछे का रिवर्स स्टॉप लाइट कुछ ऐसा मिल जाता है आपको, तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो या पीछे का ये आपको खोलना रहता तो आप यहाँ से खोल सकते हो, लॉक अनलॉक आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, फिनिशिंग काफ़ी अच्छा दिया गया है यहाँ पे, एंड दिस हाउ यू हैव टू क्लोज इट। अगेन यू कैन सी नेकेड हिंजेस ओवर हियर, सो दैट इज रियली गुड। एंड ये हार्ड टॉप है तो ये आपको फाइबर का मिल जाता है ऊपर, सो दिस इज रियली गुड। एंड ये आपको देख जाएगा इधर कुछ ऐसा 4x4 यहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड में, इज द ग्लास एरिया एंड दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड। आपको ऊपर साइड से दिखा देता हूँ, सो दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द साइड। वेल कार का जो लेंथ है यहाँ पे वो आपको 3985 mm का मिल जाता है, जो विड्थ है यहाँ पे कार का वो आपको मिल जाता है 1855 mm का, और जो हाइट यहाँ पे मिल जाता है वो है 1844 mm का। एंड यहाँ पे जो व्हील बेस मिल जाता है वो है 2450 mm का। एंड यहाँ पे जो नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है यहाँ पे वो 226 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, दैट इज रियली गुड। नाउ लेट्स गो इनसाइड द कार, ऐसे हम लोग कार के अंदर जाएंगे। एंड ये आपको देख जाएगा डोर ट्रिम कुछ ऐसा दिखता है, सो इट लुक्स रियली गुड। थोड़े यहाँ पे बॉडी कलर मिल जाएंगे आपको। वेल इस कार को मेनली ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। हार्ड प्लास्टिक्स एवरीवेयर, यहाँ पे आप सॉफ्ट प्लास्टिक एक्सपेक्ट मत करना, फॉर दैट यू हैव टू गो फॉर आफ्टर मार्केट मॉड्स। एंड यहाँ पे आपको डोर खोलने के लिए मिल जाता है, थार इज रिटन ओवर हियर, काफ़ी रगेड दिखता है ये। ओवरव्यूम के लिए कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आप 1 लीटर का बॉटल प्लेस कर सकते हो, अंदर आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह वॉलेट वगैरह रख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। एंड ये आपको देख जाएंगे कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे, वेल पूरा फुल रगेड बनाया गया है यहाँ पे। सो गाइज कार के अंदर जाने से पहले यहाँ पे आपको फुटस्टेप मिल जाता है, सो दैट इज रियली गुड। एंड ये है कार का की, कुछ ऐसा दिखता है ये, यहाँ पे लॉक मिल जाता है, नीचे अनलॉक मिल जाता है, एंड दिस इज फॉर द, सो ये कुछ ऐसा है। कार का हॉर्न भी काफी अच्छा है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स फर्स्ट, तो सीट्स मुझे यहाँ पे काफी पसंद आया, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे उठे हुए हैं ये, सो आपको काफी अच्छे से हक करके रखेगा ऑफ रोडिंग के लिए। एंड ये फैब्रिक में कुछ आपको ये कार्बन फाइबर जैसा आपको फिनिशिंग मिल जाता है, एंड लाइट थोड़ा कम है यहाँ पे, तो फॉरगिव मी फॉर दैट। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, सो दैट इज रियली गुड। थार यहाँ पे लिखा हुआ है सीट में, आपको डबल स्टिचिंग मिल जाता है, सो दैट लुक्स रियली गुड। यहाँ पे आपको लेदराइट प्लस फैब्रिक का यहाँ पे आपको सीट मिल जाता है। हाइट एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, ओके हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा। एंड ये पीछे रिक्लाइनर एडजस्टमेंट के लिए है, आगे पीछे आपको यहाँ से करना है नीचे से। एंड ये मैनुअल है तो आपको यहाँ पे 3 पेडल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है, एंड यहाँ पे आपको कार के लिए जो भी कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपको मतलब डाउनहिल के लिए ऑटो होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, एंड बाकी यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। ये हेडलाइट लेवलिंग के लिए है, एंड एसी वेंट्स यहाँ पे दिया है, तो बाकी का मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। सो गाइज नाउ लेट्स गो इनसाइड द कार। तो यहाँ पे चढ़ना एक इसमें एक स्किल्स की बात है, यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल वगैरह मेरे को नहीं दिख रहा है, सो आपको यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील पकड़ के ऐसे चढ़ना रहता है। सो ये एक काफ़ी अलग ही फीलिंग है थार में चढ़ना, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ। सो एज यू गाइस कैन सी अभी मैं इस कार में ऐसे चढ़ने वाला हूँ, सो इसको ऐसे होल्ड करके, तो ये मतलब एक काइंड ऑफ SUV है। आपको मैं इस बार एक बार डोर का थर्ड भी सुना देता हूँ, डोर मुझे इतना हैवी फील नहीं हो रहा है, एक बार थर्ड सुना देता हूँ। सो गाइज डोर मतलब उतना ज्यादा हैवी फील नहीं होता, बट इसका थर्ड काफी अच्छा है। एंड एज सुन एज आई सैट इनसाइड द कैबिन, मैंने नोटिस किया कि इसका जो बोनेट है वो आपको दिख रहा है सामने से, मतलब ड्राइवर सीट से, सो दैट इज रियली अमेजिंग। यहाँ से आपको बोनेट दिख रहा है, एंड ये सब कुछ हार्ड है ऊपर, वेल यू कैन रिमूव दीज, एंड इट लुक्स रियली 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 गुड। मतलब अंदर बैठ के फीलिंग कुछ अलग ही एक फीलिंग आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंटीरियर से। ओके गाइस, सो दिस इज द स्पीडोमीटर, डज दिस फुल स्वाइप, एंड वहां पे थार आपको दिख गया, ये बीच में आपको एक MID मिल जाता है, सो दैट इज रियली गुड। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आपको कोई लेदर रैप्ड वगैरह आपको कुछ नहीं मिलता, इट इज टोटली रगेड, एंड दिस इज द स्टीयरिंग व्हील यू गेट हियर। यहाँ पे बीच में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, इस साइड में आपको मिल जाता है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए कंट्रोल, एंड इस साइड में आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, एंड सो दिस इज हाउ इट लुक्स।
ये बीच में आपको मिल जाता है थोड़ा ऐसा ग्रे कलर का फिनिशिंग मिल जाता है मैट, एंड ये कुछ मतलब अलग ही फीलिंग है इस कार को, मतलब होल्ड करने। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील के लिए कोई एडजस्टमेंट, यस यू गेट दिस एडजस्टमेंट, सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। इस साइड आपको मिल जाता है हेडलाइट के लिए स्विचेस वगैरह, एंड इस साइड आपको मिल जाता है वाइपर के लिए कंट्रोल्स, एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा एसी वेंट, और पीछे यहाँ पे आपको दिख जाएगा थोड़ा कार्बन फाइबर वाला आपको फिनिशिंग देके रखा है, सो दैट इज रियली गुड। ग्लॉस ब्लैक में ये दिखता है, एंड यू कैन, ये आपको ऐसे एडजस्ट करना रहता है। एयर फ्लो के लिए यहाँ पे कोई कंट्रोल वैसे दिया नहीं है, बट ये नॉब कुछ वैसे ही दिखता है यहाँ पे। सो नीचे के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। यू सिट क्वाइट अपराइट, यहाँ पे आप काफी ऊपर बैठते हो इस कार में। एज यू गाइस कैन सी विंडो एरिया इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। सो गाइस दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको ऊपर इंडिकेटर के लिए लाइट्स वगैरह, इंजन चेक लाइट वगैरह, आपको सब कुछ ऊपर दिख जाएगा। अगर कोई डोर खुला रहता है तो आपको वो ऊपर वार्निंग दिख जाएगा, एंड बीच में यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। सो यू हैव टू ये खींच के आपको बंद करना रहता है, सो दैट इज रियली गुड। एंड ये जो MID है यहाँ पे, उसको आपको यहाँ से कंट्रोल करना रहता है। सो एज यू गाइस कैन सी, ये मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वहां पे ट्रिप ए, ट्रिप ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ दिख रहा है, ट्रिप बी उसका ड्यूरेशन दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, और ये मेन्यू में ऊपर आप ये सब चेंज कर सकते हो। ये एज यू गाइस कैन सी, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ऊपर आप इसको चेंज कर सकते हो। कंट्रोल आपको यहाँ से करना रहता है पूरा, ये आपको ऊपर का मेन्यू चेंज करने के लिए है, एंड ये ऊपर नीचे जाने के लिए। ऑलराइट, सो ये मैं दबाता हूँ, ये फ्यूल के लिए है, और ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये टायर आपका कहाँ पे किस डायरेक्शन में घुमा हुआ है, सो दैट इज रियली गुड। एंड ये आपको डायरेक्शन वगैरह देख जाएगा इसका, सो इन्फॉर्मेटिव काफ़ी ज़्यादा है ये बीच के में जो MID दे के रखा है यहाँ पे, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। अभी बात कर लेते हैं हम लोग इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे 7 इंच का छोटा सा इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिखता है, ऊपर यहाँ पे थोड़ा स्टिकर वगैरह लगा के रखा है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ग्लॉस नहीं है ये, मैट कलर का आपको यहाँ पे फिनिशिंग दिख जाता है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको होम में जाने के लिए है, एंड इट इज क्वाइट स्मूथ आई वुड से, काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आपको सब कुछ दिख जाएगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वगैरह आपको यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल वगैरह दिख जाता है, यूनिट्स ये सब कुछ, डिस्टेंस आपको कैसे दिखाना है, किलोमीटर या माइल में चाहिए आपको, टायर का प्रेशर PSI में आपको चाहिए कि क्या चाहिए, फ्यूल इकोनॉमी किलोमीटर्स पर लीटर में चाहिए या फिर आपको दूसरा कुछ चाहिए। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। बैक में यहाँ पे कर लूंगा सिस्टम, इको सेंस यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको। सो ये काफ़ी मतलब काम का है, एंड फोन वगैरह ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, FM के लिए यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये वॉल्यूम के लिए है, एंड यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको ये मैं एक बार ऑडियो आउटपुट सुना देता हूँ। ऊपर आपको यहाँ पे 2 ट्विटर मिल जाता है, उधर एक स्पीकर मिल जाता है आपको, उधर 2 स्पीकर मिल जाते हैं आपको, डोर में कोई स्पीकर्स वगैरह नहीं मिलता आपको। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो मतलब छोटा सा है बट काफी इन्फॉर्मेटिव है, एंड क्वाइट स्मूथ टू यूज एज वेल। तो बीच में आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सेम इस साइड जैसा ग्लॉस ब्लैक फिनिश में, पियानो ब्लैक फिनिश में, एंड यहाँ पे आपको बीच में थोड़ा कार्बन फाइबर का मिल जाता है, और यहाँ पे आपको AC के लिए कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, सो दैट इज रियली गुड। सो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है इस साइड का जो एयरबैग है वो आप ऑफ कर सकते हो, एंड ये सारा आपको हैजार्ड लाइट का यहाँ पे मिल जाता है, सीट बेल्ट के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है, एंड नीचे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ऑक्स केबल है, यहाँ पे USB के लिए है, एंड यहाँ पे आपको 12V चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता, बट यहाँ पे आप फोन वगैरह रख सकते हो। प्लेसमेंट काफी अच्छा देके रखा है यहाँ पे, एंड दिस इज फॉर द डिफरेंशियल गियरबॉक्स के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, सो दिस इज वेर यू कैन कंट्रोल इट, 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल 4 लो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज द गियर लीवर ऑफ द महिंद्रा थार। सो यहाँ पे आपको 6-speed ट्रांसमिशन मिल जाता है। विंडो के लिए कंट्रोल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स।
यहाँ पे बीच में आप प्रॉब्ली कॉइन्स वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे दो कप होल्डर्स के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। वेल यू डोंट गेट एनी, यहाँ पे एक रबर का, ये बीच में जो फिनिशिंग है ये रबर का है, एंड दिस इज वेयर यू गेट द हैंड ब्रेक ऑफ द कार। इस साइड आ जाते हैं तो इस साइड भी काफी इंटरेस्टिंग है, दूसरे कार जैसे नहीं है इस साइड भी, ये महिंद्रा थार काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको एक ग्रैब रेल मिल जाता है, एसी वेंट ओवर देयर विद कार्बन फाइबर फिनिश एंड पियानो ब्लैक, महिंद्रा थार इज रिटन ओवर हियर, सीरियल नंबर आपको गाड़ी का यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मॉडल थार, सो दैट इज रियली गुड। मैं आपको एक बार सामने से दिखा देता हूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स, एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग। एंड नीचे यहाँ पे बना के भी रखा है, पहाड़ है, तीन पेड़ है और एक महिंद्रा थार, सो दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है सामने, एंड दिस इज द ग्लव बॉक्स, दिस इज द चिंटू मिंटू ग्लव बॉक्स यू गेट, मतलब काफी छोटा है ये, बहुत ही ज्यादा छोटा है ये, मेरे हाथ के साइज का, एज यू गाइस कैन सी मेरे हाथ के साइज का यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, एंड दैट्स ऑल यू गेट ओवर हियर। ये इस साइड का डोर ट्रिम, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ऊपर के बारे में बात कर लेते हो तो यहाँ पे आपको जो आयरवीएम मिलता है ये आपको मैनुअल डिमिंग आयरवीएम मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो वाइजर मिलता है यहाँ पे आप टिकट होल्डर मिल जाता है इस साइड आपको एक, एंड इस साइड आपको जो वाइजर मिलता है यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, कोई लाइट नहीं मिलता, कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता। यहाँ पे इस साइड आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, दैट इज रियली गुड, एंड द विंडो एरिया इज क्वाइट बिग, एज यू गाइस कैन सी विंडो एरिया काफी अच्छा है, एंड सामने से आपको ये बोनेट तो दिखता ही है, सो दैट इज रियली 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 गुड, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये पीछे का सीट बेल्ट, आपको कोई एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कम्फर्ट ऑफ दिस सीट इन महिंद्रा थार। तो मैं जिंदगी में पहली बार बैठा हूँ महिंद्रा थार में, एंड द सीट इज क्वाइट कम्फर्टेबल, साइड से मेरे को हक करके रखा है, पीछे ये हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है, एंड यहाँ पे साइड में भी मेरे को हक करके रखा है, बट द इश्यू इज यहाँ पे कोई भी अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, मेरा पैर यहाँ पे लहरा रहा है मस्त बिंदास, तो मेरा पैर यहाँ पे लहरा रहा है, सो दिस इज हाउ द अंडर थाई सपोर्ट इज। बट यहाँ पे आप जब बैठते हो ना इस कार में, आपको सामने का बोनेट वगैरह सब कुछ दिखेगा, सो दैट इज रियली गुड, एज यू गाइस कैन सी मुझे वो सामने का यहाँ पे बोनेट दिख रहा है, एंड द विंडो एरिया, द गुड पार्ट अबाउट दिस कार इज आपको यहाँ पे कैबिन फुल्ली ब्लैक्ड आउट है, ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग है, कैबिन फुल्ली ब्लैक्ड आउट है, बट आपको यहाँ पे जो विंडो एरिया मिल जाता है ना ये काफी बड़ा मिलता है, एंड आप आराम से यहाँ पे हाथ रख के ड्राइव कर सकते हो एज यू गाइस कैन सी, तो उसका एकदम टशन बिल्कुल अलग है। सो दिस इज वॉट महिंद्रा थार इज मेड फॉर, काफी अच्छा दिखता है, काफी रगेड दिखता है एज यू गाइस कैन सी। सो गाइज अभी चलते हैं हम लोग रियर सीट में, एंड वहां पे आके देखते हैं कि आपको और क्या क्या मिलता है। सो गाइज राइट नाउ आई एम गोना गो इनसाइड द रियर स्पेस ऑफ दिस महिंद्रा थार, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज आपको ये जो ऊपर नॉब दिख रहा है यहाँ पे, इसको आपको ये जो लैश दिख रहा है आपको इसको ऐसा खींचना रहता है, उससे क्या होता है सीट जैसे कि आपको देखा ये आगे हो गया, मैं आपको सही से दिखाता हूँ, ये जो सीट है मैं जैसे इसको खींचूंगा ये आ गया सीट ऐसे आगे, ऑलराइट, ये जो सीट आगे पीछे करने वाला रहता है ना वो अंदर चले जाता है, एज यू गाइस कैन सी वो अंदर चले गया, एंड सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको पकड़ के ऐसे आगे कर देना है, सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज स्पेस ऑफ दिस महिंद्रा थार। तो गोइंग इन एंड आउटसाइड ऑफ दिस कार इज रियली सिंपल एंड काफी कंफर्टेबल भी है यहाँ पे। सो राइट नाउ आई एम इन द रियर स्पेस, एंड काफी खाली खाली सा यहाँ पे रियर स्पेस आपको जो मिल जाता है काफी अच्छा है, एंड काफी खाली खाली सा मिलता है। वेल दिस इज द रियर सीट ऑफ द कार, पूरा ये ब्लैक्ड आउट है, सो मेरा कैमरा भी यहाँ पे कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हाउ ब्लैक इट इज, सो आपको मैं सामने से दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, वेल दिस इज नॉट अ हैंडल, ये थोड़ा ऐसा फैब्रिक में देके रखा है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसा मिल जाता है, यू गेट दिस रोल केज ओवर हियर, यहाँ पे आपको देख जाएंगे ये रोल केज, इनको कवर किया गया है लेदराइट फिनिश से। पीछे ऊपर आपको यहाँ पे रूफ में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, सो दिस इज हाउ इट लुक्स, यहाँ पे स्पीकर है यहाँ पे दो, एंड यहाँ पे आपको दो ट्विटर मिल जाता है। वेल द लैम्प प्लेसमेंट इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे आपको एलईडी लैम्प मिल जाता है, सो दैट इज रियली गुड, बिकॉज इस कार का कैबिन आपको जैसे कि दिख रहा होगा पूरा फुल्ली ब्लैक्ड आउट है, तो यहाँ पे एलईडी लाइट दे के रखे हैं, सो दैट इज रियली गुड। ऊपर आपको ये हार्ड रूफ टॉप ये मिल जाता है, आपको दिख रहा होगा, एंड द ग्लास एरिया इज क्वाइट बिग, दिस इज हाउ इट लुक, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड, यहाँ पे आपको थोड़े पत्ते वगैरह देख जाएंगे, यू कैन एडजस्ट द हेडरेस्ट ओवर हियर, सो दिस इज हाउ इट लुक्स।
फैब्रिक सीट्स है यहाँ पे, वैसे कार्बन फाइबर वाला आपको फिनिशिंग दे के रखा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे साइड में आपको लेदराइट फिनिश का दिख जाता है। ये जो है व्हील के जो हम्स है यहाँ पे, उनको यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अगर आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाता है दैट वुड हैव बीन रियली गुड। यहाँ पे आपको थोड़ा वेलवेट टाइप का आपको फिनिशिंग मिल जाता है, सो एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर, सो दैट्स अ गुड पार्ट। सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है एंड आपको यहाँ पे देख जाएंगे फिनिशिंग कुछ ऐसा है महिंद्रा थार का। सीट बेल्ट के लिए आपको ये देख के रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ऐसा है सीट बेल्ट के लिए, एंड दिस इज हाउ द कार लुक्स, रियली गुड एंड मतलब रगेड है। किसी किसी को पसंद आएगा, मतलब ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा, कुछ ही लोग होंगे जिनको पसंद नहीं आएगा। वेल, ये फ्लोर की बात मैं अगर कर लूँ तो यहाँ पे फ्लोर यहाँ पे फुल्ली फ्लैट है, बट यहाँ पे जो बीच में है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम्प मिल जाता है। एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा हम्प है। वेल, लेग रूम यहाँ पे आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। सो लेग रूम यहाँ पे आपको काफी ज्यादा लेग रूम मिलता है, गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम यू गेट हियर, बट अंडर थाई सपोर्ट जो है ना यहाँ पे, ये पूरा लैकिंग है, अंडर थाई सपोर्ट आपको नहीं मिलता। सो गाइज, राइट नाउ आई एम इनसाइड द बैक स्पेस, बैक सीट ऑफ दिस महिंद्रा थार। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। वेल, ये कार मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अगर कोई फैमिली वाला है उसके लिए ये कार लेना। अगर कोई शौकीन है बहुत ज्यादा, देन यू कैन गो फॉर इट, क्लोज योर आईज एंड गो फॉर इट। बट अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए, कंफर्टेबल कार चाहिए, सो दिस इज नॉट फॉर यू। यहाँ पे आपको सब कुछ जो दिख जाता है ये आपको एक्सपोज्ड दिख जाएंगे आपको, एंड हेडरूम इज क्वाइट गुड, बट यहाँ पे मुझे बैठने के लिए अच्छा वाला सपोर्ट नहीं मिल रहा। मेरा बैक एकदम, मतलब सीट का जो पोजीशन है ना यहाँ पे, ये पूरा स्ट्रेट आपको दिखेगा, सो इतना ज्यादा कंफर्टेबल है नहीं यहाँ पे। एंड सीट्स आर क्वाइट सॉफ्ट एज वेल, उतना ज्यादा भी नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये जो, मतलब अंडर थाई सपोर्ट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, सो दैट इजंट, मतलब वो इतना अच्छा नहीं है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक्ड आउट इनसाइड, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। सो दिस इज हाउ इट, दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक्स इनसाइड। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर माई रिव्यू ऑफ द महिंद्रा थार। अगर आपको रिव्यू पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए अगर आपको मेरा रिव्यू ऑनेस्ट लगा तो, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज गुड हियर। एंथुजियास्ट ले सकते हैं, बट अगर कोई फैमिली है तो मैं मना करूंगा लेने के लिए। आप एक बार शोरूम में जाके आप देख लीजिए, फॉर दैट यू कैन कम हेयर। अगर आप कोलकाता से हो, यू कैन कम हेयर एट NR ऑटोज, यहाँ पे आके आप कार चेकआउट कर सकते हो शोरूम में। सो दैट्स ऑल फॉर माई रिव्यू। अभी जाके मैं बाहर एक आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल कार कैसा दिखता है। तो अभी मैं कार के बाहर जा रहा हूँ एंड ये मैंने आगे किया, सीट अपने आप ऑलरेडी काफी आगे चले गए, एंड सीट में आपको ये भी मिलता है, पॉकेट्स मिल जाते हैं आपको पीछे। सो सीट आगे चला गया ऐसे, एंड आई कैन इजीली गेट आउट ऑफ द कार, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। सो दैट्स हाउ इजी इट इज, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये सीट में पीछे कर दूंगा। सो गेटिंग इन एंड आउटसाइड द कार इज एब्सोल्युटली स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक्स, दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक्स। कार पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, साइड से मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, एंड दिस इज हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। एज यू गाइस कैन सी, एब्सोल्युटली बोल्ड एंड एब्सोल्युटली ह्यूमंगस, आई लव दिस कार। गाइस, अगर आपने ये वीडियो देखना एंजॉय किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टू हाउस गैराज।